इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना, फाइनल मोमेंटम के बराबर होना, एंड ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट रहना, यही तो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मुझे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम देखें, बराबर चाहिए माने कंजर्व चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या, इनिशियली ये जो सिस्टम है क्या ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे यानी कि इसमें कोई मोमेंट ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर मुझे पी इनिशियल पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो मास कितना है, टू। ओके, और इसमें कितनी वेलोसिटी है, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, फ्रैगमेंट की नहीं, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये किस पे है, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, ओके वेरी गुड। अब मैं फाइनल मोमेंटम की बात करता हूं, तो फाइनल मोमेंटम यानी कि पीएफ, ये भी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन फाइनल कंडीशंस क्या है कि बॉम्ब दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, एक पार्ट की कितनी वेलोसिटी है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1 × 10 प्लस दूसरे पार्ट में कितना मास है, 1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। इन दोनों को इक्वेट कर दो और इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी आपको। और हम ये इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल अगर किया तो क्या होगा, 0 = 1 × 10 प्लस वी। तो वी बराबर कितना आ गया, बोलो क्या, -10 मीटर पर सेकेंड आया, कितना आया, क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है, हाँ या ना, हाँ। देखो कैसे, देखो ये कितने किलो का वेट था, बोलते जाओ मेरे को जवाब चाहिए, ये कितने किलो का है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की बात करूं तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया, 10। इसका मोमेंटम कितना, 10। ये कितना मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी निकाली अभी अभी अपन ने, माइनस है, और क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका मतलब इसमें क्या डायरेक्शन हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो यानी कि ये वाला जो फ्रैगमेंट है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ है ना, 10 इसका मोमेंटम आया, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, 10, समझ में आया मोमेंटम कंजर्वेशन का, आया समझ में कि नहीं आया, अभी भी कोई डाउट है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सपोज ये क्या है, एक और अपने पास बॉम्ब है, और अब ये जो बॉम्ब है ना, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, लेट से 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और हाँ ये फिर से दो भागों में टूट जा रहा है। ये वाला वेट कितना है इस फ्रैगमेंट का, 1 किलो, और इस वाले फ्रैगमेंट का वेट लेट से कितना है, 2 kg। ये जो 1 किलो का फ्रैगमेंट है ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये वाला जो फ्रैगमेंट होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कर लेंगे अभी इजीली, कितना बेटा, माइनस ट्वेंटी का मतलब तो इधर हो गया, तो -20 इधर, यानी कि 20 इधर और 10 उधर, तो बराबर कहां हुआ ये, सोचो बराबर कहां हुए, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, +10 या -10, बेटा ध्यान से सोचो, ध्यान से, ये वाला बॉम्ब कैसा था, रेस्ट पे था, कैसे था ये, रेस्ट पे था, इसलिए यहां पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर थे। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल मोमेंटम कितना है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल लिख देता हूं मैं यहां पे, ये लो इनिशियली इट इज गोइंग विद 10 मीटर पर सेकंड, ये ऑलरेडी चल रहा है, ये ऑलरेडी मोशन में है,
तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से. और इस सिस्टम का मास कितना है? 3 केजी. सो इनिशियल मोमेंटम इज 3 × 10, दैट इज 30. तो इनिशियल मोमेंटम तो किसके बराबर आ गया? 30 के. फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी कि अब ये क्या हो चुका है? ब्लास्ट हो चुका है. और अगर ये ब्लास्ट हो चुका है तो इसमें कितने फ्रैगमेंट बने हैं? 2. पहला फ्रैगमेंट जिसका मास कितना है? 1 kg. ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? और जो दूसरा ब्लॉक है वो कितने का मास का है और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है. अगर हम ये बोलते हैं, हमको अगर ऐसी सिचुएशंस देख करके ये वाली बात समझ में आती है कि इनके मोमेंटम कंजर्व रहने चाहिए, यानी कि नेट मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या यहां पे किसी को भी कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? यानी कि जो ब्लास्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से. और अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड दे हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हम ये सब बातें जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करके देखेंगे. ओके, सो हमने क्या किया यहां पे, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल. ठीक है, तो 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2v, so 20 is equals to 2v, so v is equals to 10 meter per second. किधर आई है ये वेलोसिटी? प्लस x डायरेक्शन में, यानी कि ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. अब देखो इनिशियल मोमेंटम कितना आया था, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 30. 3 kg का सिस्टम कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 30. फाइनल क्या ये जो 1 केजी का ब्लॉक है ये आगे कितने से जा रहा है? 10. सो 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10. अब आप क्या बोल रहे थे? 20. तो 20 कैसे हुआ बेटा? 10 ही तो मल्टीप्लाई हुआ. तो आप वेलोसिटी 20 बता रहे थे, आपकी अप्रोच सही थी लेकिन डायरेक्शन भी आप लोगों ने नहीं बता पाए थे. तो डायरेक्शन कितना होगा? 10. So 10 into 2 is 20. 20 plus 10 is 30. So PI बराबर PF, यानी कि momentum is conserved. हम क्या बोल सकते हैं इस particular case में? That momentum is conserved. Feel आया थोड़ा momentum conservation का?